असलामुअलैकुम, स्टार्ट करते हैं टॉपिक 15.5 म्यूचुअल इंडक्शन। ये हमारा लॉन्ग के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड शॉर्ट के हवाले से भी। शॉर्ट में इसकी अक्सर डेफिनेशन के बारे में पूछ लिया जाता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर हमें देखते साथ ही क्या पता चल रहा है कि हम कोई ऐसी चीज की बात करेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होगी। म्यूचुअल का मतलब हमें यही समझ आता है। और अगर हम इस पूरे चैप्टर के हवाले से देखें तो हम क्या बात करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करवा सकती है। सो इट मींस एक के साथ दूसरी चीज इंटरकनेक्टेड है, एक को बदलोगे दूसरे में भी चेंज आ सकता है। उसी चीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि हम म्यूचुअली बात करने वाले हैं तो हम क्या कंसिडर करें, कॉइल्स को कंसिडर करें। ये हमारे पास एक आ जाएगा कॉइल एंड इसी तरह का एक और कॉइल हमने कंसीडर करना है जो इसके बिल्कुल करीब पड़ा होगा। जब ये कॉइल्स को हमने कंसीडर कर लिया तो हमने कहा कि इस वाले को अटैच कर दिया एक स्विच से एंड देन यहाँ हमारे पास है बैटरी, बैटरी के बाद है यहाँ पर रियोस्टेट एंड जो दूसरा वाला है उसको सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर से अटैच किए। दूसरे के साथ हमने कोई करंट की सप्लाई, कोई बैटरी वगैरह नहीं दी। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये सेकेंडरी कॉइल है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि रियोस्टेट क्या काम करता है और हम क्यों यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली ये रेजिस्टेंस को चेंज करने में हमारी हेल्प करते हैं। ये बहुत कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस को चेंज कर रहा होता है जिसकी मदद से करंट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम अपनी मर्जी के करंट को यहाँ से इस पूरे सर्किट में से पास आउट करवा सकते हैं। जब तक स्विच हमारा बंद नहीं किया गया था, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई करंट पास नहीं हो रहा था, कोई चेंजिंग यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नहीं नजर आ रही थी। लेकिन अगर हम इस स्विच को बंद कर देते हैं, अब हो गया हमारा सर्किट कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट हुआ, यहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं करंट को, बैटरी प्रोवाइड कर रही है वोल्टेजेस एंड देन इस पूरे जब कॉइल तक पहुंचा हमारा करंट तो यहाँ पर उसने क्या किया, जनरेट कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को। चूंकि पहले कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट नहीं हो रही थी, सब कुछ जीरो पे था, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट हुई। सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल के बहुत करीब पड़ा हुआ है तो उसके अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने गुजरना शुरू कर दिया। चूंकि यह एक कॉइल है, कंडक्टिंग मटीरियल है, इसके अंदर दोनों तरह के चार्जेस मौजूद हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने उनको अपोज करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर फोर्स लगानी शुरू कर दी। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम ये इन टू द पेज ले रहे हैं और कोई चार्जेस उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरते हैं तो उनके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होती है। जो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक है, हमारा चार्ज आगे की तरफ मूव कर रहा है, जो इनवर्ड डायरेक्शन है वो है मैग्नेटिक फील्ड की और जो हमारे थंब की डायरेक्शन होगी वो इंडिकेट करेगी इस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को। इट मीन्स कि हमारी इन टू द पेज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, चार्ज आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और तब इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो तो फोर्स अपवर्ड लगेगी। इट मींस कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव एक तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, चार्जेस वोल्टेजेस में भी डिफरेंस आ रहा है, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गई। तो किया क्या था, आपने यहाँ पे करंट को चेंज किया लेकिन उस करंट ने सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करवा दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यही चीज आपकी क्या कहलाती है, म्यूचुअल इंडक्शन, कि आपने कोई सर्किट को इकट्ठा नहीं किया, आपने अलग अलग सब चीजों को रखा है लेकिन एक दूसरे के करीब, तो इसमें आने वाले चेंजेस ने दूसरे कॉइल के अंदर भी चेंजेस प्रोड्यूस करवा दिए। तो ये फेनोमेना इसके क्या बनेगा, द फेनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, चेंजिंग, सो हमने क्या किया, चेंज करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड एन ईएमएफ इन एन अदर कॉइल। सो दिस फिनोमेना और दिस प्रोसेस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहां तक हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसका कोई हमारे पास फॉर्मूला भी होगा, इसका कोई यूनिट भी होगा, उसको डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ हमारे पास क्या इक्वेशन आती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ एन, यानी कि नंबर ऑफ लूप्स इनटू चेंज इन फ्लक्स।
यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल था उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहे हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ एक सिंगल लूप की बात करें, अभी तो हम कॉइल को कंसिडर करें जिसमें हमें नंबर ऑफ टर्न्स नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम एक सिर्फ एक सिंगल टर्न की बात करें तो उसमें हमें ये नजर आता है कि जो फ्लक्स है वो इतना होगा, लेकिन चूंकि हम एन नंबर को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एन एस। और ये सब कुछ डिपेंड किस पे कर रहे हैं, ये स्टार्ट हुआ कहाँ से? ये स्टार्ट हुआ जब हमने कहा कि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट चेंज किया गया। सो ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी अगर हम कंसीडर करें तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ किस वजह से प्रोड्यूस हुए? प्राइमरी के करंट की वजह से। इट मींस कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस करंट के जो प्राइमरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पर अब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म किया जाए तो यहाँ बन जाएगा एन फाइ एस इक्वल्स टू एम आई पी। सो ये बेसिकली जो आपने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करके एक कांस्टेंट फैक्टर लगाया है, ये आपका है उस सर्किट का म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर अभी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया तो क्या पता चला कि जो एन डेल एस है ये किस फाइ एस है ये किसके बराबर आ रहे हैं? एम आई पी के। वहां पर इसको रिप्लेस करें अगर तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाती है, नेगेटिव एज इट इज आया, हमारे पास डेल बाहर आ जाएगा क्योंकि हम सिर्फ इन दो की बात करें, चेंज की बात नहीं करें अभी, तो ये बन गया एन फाइ एस ओवर डेल टी। अब हमें पता है कि ये पूरा फैक्टर किसके बराबर है? एम आई पी के। यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा एम आई पी ओवर डेल टी। इसी तरह से अब हम एम को बाहर निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम चेंज किसमें प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? करंट में। तो करंट में फ्लक्चुएशन आ रही है, करंट में चेंज आ रहा है, तो डेल किसके साथ आना चाहिए? करंट के साथ। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि सेकेंडरी कॉइल में है वो डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होने वाले करंट पे। तो अब हमारी जो म्यूचुअल इंडक्शन के लिए इक्वेशन बन चुकी है वो कुछ इस तरह से। नेगेटिव साइन अगेन क्या शो कर रहा है कि लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग के अपने अंदर आने वाले चेंजेस की मुखालफत करेगा। अब यहाँ पर हम करंट प्रोड्यूस करवा रहे थे और वो करंट क्या करेगा जो उसकी रीजन बन रहा है, रियोस्टेट की मदद से हम उसको उसके अंदर करंट को चेंज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो सर्किट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला करंट ही उसकी ओपोजिशन स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन आते हैं। अब अगर हम ये देखना चाहें कि खाली अगर हम म्यूचुअल इंडक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो क्या फॉर्मूला बन सकता है और क्या इसका यूनिट होगा? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने अभी देखा कि हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर आ रही है माइनस एम डेल आई पी ओवर डेल टी। हमें म्यूचुअल इंडक्शन को चेक करना है, म्यूचुअल इंडक्शन को अगर हम सेपरेट करें तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अब यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को नहीं शो कर रहे, नहीं इंडिकेट कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल इंडक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमें ये नहीं बताना कि किसका इंड्यूस्ड ईएमएफ है, किसका करंट है और वो क्या ओपोजिशन बता रहे हैं, हम सिर्फ उनके दरमियान का एक रिलेशन देखना चाह रहे हैं कि किस चीज को चेंज करने से क्या चीज प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर अब हमने एम सेपरेट कर लिया और एम किसके बराबर आ रहे हैं कि अगर रेट ऑफ चेंज होगा इन करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल will produce the induced EMF in secondary coil. इसी हिसाब से अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट है हेनरी, और हेनरी को कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। जोसेफ हेनरी ने इसके बारे में बताया था। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन जब भी आपने किसी यूनिट की लिखनी होती है तो सबसे पहले आप उसके फॉर्मूला को चेक करते हो। इसके फॉर्मूला में हमें क्या क्या गिवन है कि करंट में चेंज आ रहा है, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन विल बी वन हेनरी इफ द करंट इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज वन एम्पियर पर सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल induced an EMF of 1 volt in secondary coil.
तो जब भी आप यूनिट की बात करते हैं आप साथ साथ उसकी क्वांटिटी भी मेंशन कर उनके यूनिट्स भी मेंशन कर रहे होते हैं जिनके जिन क्वांटिटीज को आप कंसीडर कर रहे हो. जैसे करंट का यूनिट एम्पेयर है तो एम्पेयर भी आना चाहिए. करंट टाइम का है सेकेंड तो सेकेंड आना चाहिए. तो इस तरह से क्या इक्वेशन बन गई है, क्या डेफिनेशन बन गई है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो कि किस हिसाब से 1 एम्पीयर पर सेकेंड क्या करेगा, कॉज करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इन द सेकेंडरी कॉइल. तो ये हमारे जो हेनरी की डेफिनेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से. तो ये हमारे डिफरेंट तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी. तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक.